नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। मैं और जेरी इस समय कोविड पोस्ट कोविड कवरेज जो है, पोस्ट कोविड तो कहना गलत होगा, पोस्ट लॉकडाउन कवरेज जो है हमारा, पोस्ट सेकंड वेव कवरेज जो है, उसको हम थोड़ा सा ज़मीन पर देखने आए हैं। कोविड जब शहरों से निकलकर गांवों में जा रहा है और जब थर्ड वेव की बात हो रही है, तो हम कितने तैयार, कितने मुस्तैद हैं। गाँव में किसी को बुखार चढ़ता है तो वो जाकर अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार की, सर्दी की, खांसी की, दूसरी चीज़ों की दवाइयां क्या ले सकता है, क्या वहां भर्ती हो सकता है, वो क्या वहां पर इलाज मिल सकता है, इसका जवाब कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों से आपको मिलता रहा होगा। एक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखिए, पीलीभीत का जटपुरा गाँव है और चिकित्सालय खुलने का समय, ये सब बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर सुबह खुरचे हुए बजे से दोपहर खुरचे हुए बजे तक, लेकिन दिखता है कि 2 बजे का तक का समय और घड़ी में 1 बज रहे हैं। और यह है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक रन थ्रू मैं और जेरी और हम लोगों के साथी जो दोस्त आए हैं, हम लोग कर चुके हैं। इस रन थ्रू में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं मिलती हैं। इस रन थ्रू में शुरुआत की, बाहर से बिल्डिंग की हालत देखिए। शुरुआत में आपको दरारें पड़ी दिखाई देंगी, प्लास्टर में दरारें पड़ी हुई हैं, जो बिल्डिंग का प्लास्टर है, ईंटों के बाहर का जो नीचे से आपको चप्पल छूटती हुई दिखाई देगी, दीवारें दरकती हुई दिखाई देती हैं बाहर से। हो सकता है चीज़ें अंदर से अच्छी हों, लेकिन नहीं है। आइए जरी, आइए गुरु। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो अभी यहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप घुसते हैं तो ये एक बोर्ड, एक तख्त लगा हुआ मिलता है, इस पे साहब बैठे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है। सर आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं जी। अच्छा, ये सब क्या हिसाब किताब लिखा हुआ है सर आपने? ये पर्चे बने हुए हैं, ये मेडिसिन का कंजप्शन है। अच्छा, ये जो लोग आज आए हैं दिखाने आपके? जी, ये जो ओपीडी के लिए आए हुए हैं दिखाने। अच्छा, कौन देखा उनको? डॉक्टर साहब आए थे, चले गए। चंदिया हजारा भी बैठे थे, अभी थोड़ी देर पहले गए हुए हैं। अच्छा, और बाकी जो पेशेंट आता है उसको मेडिसिन मैं दे देता हूँ। आज सुबह से 6, 7, 8, 9 लोग आपने देखे? 9 पेशेंट आए हैं। 9 पेशेंट। उन दवाइयों का विवरण क्या है उनको? दवाइयों के विवरण है, ये रजिस्टर है, ये दवाइयाँ आपने दी हैं? जी जी जी। अच्छा ठीक है, मतलब इतनी इतनी गोलियाँ इस तारीख को इस दवा की दी गई, ये आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट साहब अभी हमसे 2 मिनट बाद ना जो डिस्पेंसरी होगी आपकी वो भी दिखा दीजिएगा मुझे। ठीक है सर, चलिए। पहला कमरा जिसके बाहर लिखाई देता है COVID-19 वैक्सीनेशन। यहाँ पे कोविड का टीका तो लगाया नहीं जाता है सर? नहीं, लग रहा था लेकिन इस समय जो है ऊपर से प्लान नहीं है। पहले लग रहा था, इस समय यहाँ का प्लान नहीं है। अभी तो का प्लान नहीं है ना? हाँ, अभी का प्लान नहीं, मतलब शुरू नहीं हुआ यहाँ? नहीं, यहाँ पे लग रहा था लेकिन 1 महीने से यहाँ पे नहीं लग रहा है। मुझे तो पता चला कि पीलीभीत में 3 ही सेंटर ही हैं मिला जुला के, ये सेंटर उसमें से है नहीं। पूरनपुर में 3 सेंटर हैं शायद? पूरनपुर में 3 सेंटर हैं, महिला में है, शेरपुर में है और कोरैया में लग रहा है, जादवपुर गहलुइया में लग रहा है। बंद हो गया यहाँ पे वैक्सीनेशन? ऊपर से सर प्लान आता है, मुझे तो इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लान आता है इसकी जानकारी आपको नहीं? हाँ, ये प्लान ऊपर से ही आता है। अभी आपके अधिकारी साहब आएंगे, शायद उनके पास कोई जवाब होगा। तो इसका नाम पता नहीं क्या है लेकिन ये खाली पड़ा है, इसमें कुछ सिरिंज के डब्बे रखे हैं कूड़े। अच्छा जी, उसी के लिए तैयारी थी। वैक्सीनेशन का कमरा था? हाँ हाँ, ये वैक्सीनेशन के लिए था। अच्छा, तो इधर हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए, वैक्सीनेशन का कमरा था, वैक्सीनेशन बंद हो गया, ये एक कारण हो सकता है। आप इधर आइए, तो ये कॉन्डोम बॉक्स है, ये खाली पड़ा है सर? खाली हो गया है, अभी इसमें डलवाना है। वार्ड बॉय भी हमारे आए हैं, साथ में हैं, डॉक्टर साहब के साथ गए हुए हैं, तो जी तो उनसे डलवाना है भी। आज डॉक्टर साहब साथ में चले गए? जी जी। कहाँ चले गए? बोलो। चंदिया हजारा। क्या करना है? चंदिया हजारा सीरो सर्विलांस का सर्वे हो रहा है, उसके लिए गए। 2 बजे तो अभी तो ओपीडी चल रही है, तो ओपीडी इसमें आधे घंटे के बीच में आए कोई, या कितने देर पहले गए हुए हैं?
वो 11:30 के आसपास गए, 11 बजे भी एक बज रहा, डेढ़ घंटे में जो मरीज आए वो कहाँ गए सर, वो क्या क्या किया? आप देखिए, नहीं मैंने मेडिसिन दे दी है और इस पर चढ़ा लिया है। प्रिस्क्रिप्शन भी दिया आपने? नहीं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे पर्चा लिख लिया, इस पर दवा दे दी। आप तो फार्मासिस्ट हैं सर। सर टैबलेट जो जनरल प्राइमरी पेशेंट्स आते हैं पर क्या क्या शिकायत लेकर आए थे? वही है, हल्का सा फीवर है और या किसी को इचिंग हो रही है, खुजली वाले पेशेंट हैं या इस टाइप से है। फीवर वाले को क्या दिया दवा आपने? पैरासीटामोल दिया मैंने और एलर्जिक है सिट्रिजिन दिया और कुछ खांसी की दिक्कत आ रही है तो एजिथ्रोमाइसिन दिया, एंटीबायोटिक साथ में दिया है और साथ में ओमिप्राजोल कैप्सूल दिया है मैंने। ओमिप्राजोल कैप्सूल भी दे दिया जी, सस्ना हो दवाइयों जी। आपने ये नहीं कहा कि टेस्ट वेस्ट करवा लो कहीं और, ऐसा कुछ नहीं कहा आपने? नहीं टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, हल्का सा ये मोस्टली तो इचिंग के पेशेंट आते हैं, खुजली के ही पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो उनको वही एंटी एलर्जिक है या इस टाइप की मेडिसिन हैं। नाम भूल रहा हूँ मैं, मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है। अरुण जी आपको नहीं लगता है थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है ये? अब सर देखिए दवाइयाँ जाएँ तो सही है, अब डॉक्टर साहब हैं, पेशेंट आया हुआ है, डॉक्टर साहब नहीं मौजूद हैं तो पेशेंट को तो मना नहीं कर सकते, मेडिसिन तो देनी पड़ेगी ना। डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है तो क्या ही किया जाएगा, कुछ जनरल सी मेडिसिन तो। कब से कॉन्डम इसमें कब से नहीं, निरोध बॉक्स में कॉन्डम कब से नहीं है? कंडोम तो सर पड़ रहे हैं, बराबर पड़ते हैं, खाली हो जाते हैं, जो भी बैठा है यूज करना है वो ले जाता है। धूल तो देख के लग नहीं रहा है कि कॉन्डम इसमें भराया है। यहाँ पे खुला हुआ वातावरण है तो धूल तो बहुत आती है, हवा चलती है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, ये थोड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। अच्छा। जी मतलब धूल रोज वाली धूल है ये? अच्छा तो अरुण जी बता रहे हैं कि रोज वाली धूल है। सर ये क्या कमरा है? ये जनरली इसमें जो पेशेंट होता है एडमिट होता है। अच्छा या तो ओपीडी के लिए वैसे तो इसको ऑब्जर्वेशन। अच्छा वैक्सीन लगवाने के बाद जो 20-25 मिनट रखा जाता है आपके हिसाब से? मैं इसको खोल रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है सर। अच्छा इस कमरे में आइए तो एक बिस्तर है, बिस्तर पर एक चादर है, चादर के नीचे एक और गंदी चादर है और नहीं चादर के नीचे दो गंदी चादर है और चादर पे धब्बे हैं। ये चेयर है जो धूल से भरी हुई है, टूटी है, बिनाई इसकी गायब है और एक बोर्ड है COVID-19 का टीका सुरक्षित है। दो बोर्ड हैं COVID-19 से बचाव के लिए, एक पानी की बोतल है, दीवार पे पंखा नहीं है, यहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं है, लेकिन COVID-19 से बचाव का बोर्ड टंगा हुआ है। CCTV कैमरा है, लाइट नहीं है, पता नहीं क्या होगा, स्विच बोर्ड में स्विच नहीं है, खाली पानी की बोतलें हैं, एक बोतल है, न जाने कैसा पानी है। COVID-19 से बचाव ज़रूरी है का बोर्ड है, टूटा हुआ बेस है एक स्टैंड का। अच्छा ठीक है। हाँ जी ओके। आप लोग यहीं के लोग, गांव के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है ये? जटपुरा ना? जटपुरा। कितना आबादी हुआ गांव का? करीब होगा 5-6 हजार आबादी। कितना? 5-6 हजार से ऊपर होगा। भैया जो मास्क नहीं लगाया वो न रहे यहाँ पे, ठीक है? तो मास्क लगा लीजिए, तो मास्क बिना मास्क मत रहिए। 5-6 हजार आबादी, 5-6 हजार वोट बता रहे हैं। वोट तो है करीब 2200 यहाँ का। 2200। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। क्या करते हैं धर्म जी? खेती बाड़ी। सब लोग बेसिकली यही काम करता है अधिकतर लोग? हाँ ज्यादातर लोग यही है। यहाँ पर क्या कितने दिन से चल रहा है ये सेंटर? करीब 28-30 साल हो गए हैं। 30 साल से? हाँ। अच्छा। 90-92 में बना था जी। अच्छा। और आज तक इसमें न तो बत्ती है, लाइट अभी तक नहीं आई थी। अभी लाइट नहीं इसके अंदर यहाँ, और ना बाउंड्री है, इसमें जोर गड्ढा बनता है यहाँ पे, कोई यहाँ पे स्टाफ नहीं रहता हमारे। गड्ढा है और क्या, खाली पड़ा था, लोग खेलते हैं। सही है सर। जी यही डॉक्टर साहब आते हैं सर, जो नियुक्तियाँ हैं वो लोग आते हैं, जिनकी नियुक्तियाँ हैं वो लोग आते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि वो नहीं साहब बैठे हैं। नहीं नहीं यही क्या बता रहा
जिस तीन लोग स्टाफ के आते हैं यहाँ पे केवल कोई नहीं आती सर। पंकज आते हैं सर, पंकज पंकज आते हैं, पंकज पंकज राकेश जी दो लोग आते हैं यहाँ जी। अच्छा आप बता रहे हैं जिसकी जिसकी नियुक्ति है सब लोग आता है? सब लोग नहीं आते। मेरे संज्ञान में तो यही है कि जो लोग नियुक्तियाँ हैं वो आते हैं, तीन लोग तीन चार लोग सब लोग नहीं आते हैं। डॉक्टर सौरभ जो है इंचार्ज, डॉक्टर सौरभ नहीं अभी तक देखा भी नहीं उन्हें हमने यहाँ पे, ये तो नहीं दिखाई देते ना जी, हमने इन्हीं को देखा, यही दवा देते हैं, यही सब कुछ करते हैं यहाँ। ये तो बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब 11:30 बजे गए थे बाहर, अभी तक आ जाना चाहिए था उनको। ऐसा तो अभी तक हमने थे 11:30 बजे गए थे ना अरुण जी, आप बोल रहे हैं अरुण जी बता रहे हैं 11:30 बजे गए जी, 11:30 बजे गए। कब आते हैं वो तो कभी कभी अगर आपको मिलते होंगे मिलते होंगे, वैसे हमने तो अभी तक देखा नहीं उन्हें जो दवा लेने आते हैं तब। अच्छा पंखा बत्ती गायब है, पंखा बत्ती कभी आज तक बत्ती आई नहीं है। कौन ले गया पंखा? जनरेटर चला गया था वहाँ पे पूरनपुर, क्या करने वहाँ के लोग ले गए उठा के यहाँ से। क्या मतलब ऐसा क्या घर मनमाना घर जाना कोई भी कहीं को उठा के ले जाएगा? इसीलिए मैं अस्पताल के लोग लगे, अस्पताल के लोग, अस्पताल के लोग। हाँ कब कब ले गए थे जी? करीब हो गया 10-15 साल पहले ही। स्थापना हुई तभी चला गया, जब हॉस्पिटल बना तभी से व्यवस्था डैमेज है, हाँ थोड़ी व्यवस्था डैमेज हो गई। बना होगा तो ठीक ठाक हो गया ना तब तो? बना तो बढ़िया था मगर यार बत्ती वगैरह आज तक नहीं, कनेक्शन हुआ ही नहीं, बिल्डिंग का निर्माण हुआ तब से कनेक्शन नहीं कराया गया, न कोई जनरेटर की व्यवस्था की गई, वो भी चला गया। एकदम सीसीटीवी भी लगा हुआ है एकदम बढ़िया, देखा तो जेरी वो देखो ना ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, लगा तो सब कुछ है, तो है पर चल तो कुछ नहीं रहा है ना। नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा, जब लाइट नहीं आ रही चल नहीं है। आप लोगों को तबीयत खराब होती कहाँ आते हैं? यही आते हो यहाँ आते हैं, कोई इमरजेंसी पूरनपुर जाते हैं, इमरजेंसी कोई सेवा नहीं यहाँ पे। यहाँ तो पूरनपुर जाते हो? पूरनपुर जाते हैं, हम कह रहे हैं यहाँ इमरजेंसी कोई सेवा नहीं, सब लोग पूरनपुर जाते हैं, जो कुछ दिन में यहाँ दवाई मिल जाए मिल जाए। अच्छा लाइट ऑफ हो गया क्या गुरु? अच्छा अच्छा ठीक है, तो होल्डर में से बल्ब गायब है, ये सब सीसीटीवी लगा हुआ है, सब फुटेज वुटेज कहाँ रिकॉर्ड होता है इसका? फुटेज तो सर लाइट ही नहीं है तो फुटेज कैसे रिकॉर्ड होगा? कहाँ है? कहीं तो किसी कंप्यूटर में कनेक्टेड होगा ना? नहीं कंप्यूटर में यहाँ इधर इसका सिस्टम रखा हुआ है। ये है आपका सीसीटीवी का सिस्टम? तार आ रहा है, गोलिया केस में गया है सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, क्या खाली है क्या ये अंदर से? हाँ इसको कनेक्ट कर गए थे, कनेक्ट कर गए थे इसको, फिर लाइट आएगी तो बोले चले। कहाँ गया सर? सब ऐसा मेरा हाथ दिखेगा पीछे से, तो ऐसे जरी दिख रहा है मेरा हाथ तो खाली अंदर से। ये नीचे हार्ड डिस्क टाइप का कुछ लगा हुआ है स्टोरेज, उसमें बत्ती वत्ती जलता है सर? वो तो जल नहीं रहा है, नहीं लाइट ही नहीं है, कैसे जलेगा? आपका अलमारी भी खाली है क्या एकदम? हाँ अलमारी खाली है। खाली है, इसमें क्या रहना चाहिए था वैसे? इसमें डॉक्टर्स का ही डॉक्यूमेंट्स रहता है। अच्छा जी, सर इसमें सब स्विच बोर्ड उसमें गायब है और इसमें स्विच में तो कोई ठेपी भर के एकदम जाम कर दिया इसको। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे ट्रांसफर होके तब से ऐसी हालत है इसकी, इसके लिए मुझे 3 साल हुआ है यहाँ पे। मैंने कई बार लिख के भी दिया है, 2 बार मैं लिख के भी दे MIC को मैंने लिखा है, MIC को मैंने लिखा है, पहले MIC थे वो चले गए ट्रांसफर हो गए, इसके पहले मैंने एप्लीकेशन एक उनको लिखी थी कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं प्रॉब्लम हो रही है, धूल धक्कड़ बहुत आ रहा है और शीशे वगैरह नहीं है, इसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो रही है। पत्र कब लिखा था? पहला पिछला मैं मुझे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले मैंने लिखा था। 1.5 साल पहले आपने आखिरी लिखा है? अच्छा। उसके बाद कोविड हो गया? कोविड हो गया। ये बिना टोटी का नल, उसकी टोटी का उसके बाद हाथ में जाता है लंजर पलंजर, ये टूटे हुए ऊपर वाला टूटे हुए पाइप का टॉयलेट, टॉयलेट किस हाल में है? हटिए जरी तो जैसा मतलब इसमें कोई क्यों ही टॉयलेट करने आएगा? ऊपर ये देखिए, देखो जरी ये पूरा सीलन देख रहे हो, चप्पड़ छोड़ गया ये, पीछे देखो पूरा वो इस कमरे में पूरा सीलन भरी हुई, पूरी सीलन है।
चप्पल छोटी है, सब उखड़ा फुकड़ा है, ये सब व्यवस्था है, सब काम चलाऊ टाइप की। पंखा यहाँ पर है, स्विच बोर्ड है, कम से कम ORS वाला। ये तो इसको ऐसे रहना चाहिए था, हालांकि ये लटक गया, मान लीजिए कील निकल गई होगी। यहाँ स्विच बोर्ड नहीं होता, वहाँ पे कील भी नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन है कि नहीं है, इसका ये चार्ट होता है, हर PSC में लगा होता है, ये चार्ट समय से अपडेट होना चाहिए। 2004 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है लग रहा है, 2004 में भी, 3-4 में भी अपडेट नहीं हुआ था शायद। शायद आखिरी अपडेट की तारीख दिखती है 30 अप्रैल 2013 या 3 है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 3 है या 13 है, तब भी ये देर है। अगर 3 भी है तब बहुत देर है, 13 है तब भी बहुत देर है। ये है डिस्पेंसरी, अरुण जी की डिस्पेंसरी। अरुण जी आप तो इंचार्ज इस कमरे के होंगे ना? एक ही रूम है हमारे पास जो बंद होता है, तो इसी में सब सामान रखा रहता है। क्या क्या रखा है सर यहाँ पे? यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वैक्सीनेशन का है, ये सब वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन में क्या सामान रखा है? सामान क्या क्या है? तो उधर ही रखा है, वही जो डब्बे में रखा था। ये BP वाली मशीन है, पारा है कि नहीं हमको यूँ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा पारा है, नहीं नहीं पारा है इसमें। मूंग दाल का नमकीन रखा है सर। ये एंटीजन टेस्ट किट ऐसे रखी हुई है क्या? ये लैब असिस्टेंट का रखा हुआ है। हाँ लैब असिस्टेंट है हमारे, उनका रखा हुआ। हाँ जी जी, क्या बोल रहे हैं? लैब असिस्टेंट का सामान रखा हुआ है, लैब के कर्मचारी हमारे जो हैं उनका सामान है। कितने कर्मचारी हैं लैब में सर? दो कर्मचारी। कब से यहाँ पे कोरोना, कब का आखिरी कब हुई है? अब सर उनकी ड्यूटी तो बाहर ही लगी हुई है इस समय, आसाम चौराहे पे लगी हुई है, तो वहीं पे जांच कर। यहाँ पे कोरोना जांच नहीं हो रही है? नहीं यहाँ पे नहीं, कब से एकदम हुई नहीं है? नहीं यहाँ पहले कुछ दिन हुई थी। हाँ उसके बाद सर ये क्योंकि ना ये जो धूल देख रहे हैं ना, झाला लगा हुआ है, ये देख के लग तो नहीं रहा कि ये डब्बा यहाँ रखने बाद हिला यहाँ से, इसलिए हम पूछे ये सवाल आपसे। हाँ, ये बात तो है, इधर तो नहीं हिला है, हुआ नहीं ना जांच। बिना डुलाने वाला रखा है, दवाइयाँ रखी हैं, दवाइयों की एक्सपायरी डेट देख के थोड़ा सा कुछ आइडिया लग सकता है। अक्टूबर 2021 अगस्त 2021। मेट्रो इंडिया जोल 10/2021, मतलब अभी एक्सपायरी में समय है थोड़ा सा। ये स्टॉक है सर आपका? जी ये स्टॉक रजिस्टर है? नहीं ये डॉक्टर साहब का है। अच्छा ओपीडी रजिस्टर। ओपीडी रजिस्टर डॉक्टर साहब का जी। दिखाइए सर, तो आखिरी तारीख दिखाइए एक बार हमको, 9/6 की। डॉक्टर साहब सुबह 3 पेशेंट देख कर गए हैं जी। किस रूम में देखते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एक्चुअली गर्म बहुत हो रहा है तो यहीं बाहर ही बैठे थे, वैसे तो उधर बैठते हैं सामने वाले रूम में। इसका ट्यूबलाइट गायब हो गया ना सर? सर लाइट ही नहीं है तो ट्यूबलाइट तो बेकार ही हो जा रहा है। लाइट भी नहीं लगवाई गई ना? हाँ सर। ये माइक्रोस्कोप है सर क्या आपका? जी ये माइक्रोस्कोप उनका है, लैब टेक्नीशियन है। अच्छा इसका लेंस तो सर एक ही तो लेंस दिख रहा है हमको, बाकी एक्स्ट्रा पता नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, वही यूज करते हैं। अच्छा इधर भी सब पीछे रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर। शायद भरा हुआ है। अलमारी के अंदर PPE किट, कुछ इनके कागज, कुछ अखबार, कुछ दवाइयाँ, कुछ इक्विपमेंट, कुछ थर्मामीटर,
इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, और किसी का शॉल। ये वहाँ पे स्विच गायब था, यहाँ पे स्विच बोर्ड लटका हुआ है। कॉटन खुले में है, कॉटन के ऊपर धूल आपको दिख सकती है ऐसे साफ साफ। कहाँ पे? हाँ ये बाहर निरोध का डब्बा खाली पड़ा था वो। इसमें इजी पिल है, कंडोम तो पड़ा हुआ है सर, आप तो कह रहे थे कि कंडोम है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा डलवाना है, खत्म डलवाना है। चलिए मान लीजिए तो ठीक है। दवाइयों की एक्सपायरी आखिरी बार कब चेक हुई थी सर आपके यहाँ? सर दवाइयों की एक्सपायरी चेक होती रहती है। अच्छा जी। एंटीजन किट तालाबंद हो सकता है, बाकी सब खुला हुआ है। लैब की भी हालत। ये क्या है, ये कौन सी का खाचा है? ये यहाँ पे मशीन लगी थी, बायोमेट्रिक मशीन लगी थी, तो उसके लिए वो खराब हो गई थी, तो उसको जमा करा दिया। अटेंडेंस कैसे होती है आप लोग की? अभी अटेंडेंस तो मैनुअल हो रही है, जब से कोविड चला है तब से वो बंद हो गई। ये क्या सर? ये मेरा स्टोर, अंदर स्टोर है, इसमें कुछ मेडिसिन है। और क्या ताला है सर? ताला है कि नहीं? ताली का ताला है कि? इसकी आज चाबी मैंने हिलाया, रूम पे ही रह गई। अच्छा, आज ही नहीं आ पाई? मैं वैसे तो वहीं पे रखता हूँ। आज नहीं है बस। नहीं नहीं, जरूरत लगती है तब लाते हैं। स्टॉक इसमें रखा रहता है, जो डेली का स्टॉक है, एक हफ्ते का निकाल। रोज रहती है? आज नहीं आपके पास? नहीं नहीं, कभी कभी मैं वहीं पे रूम पे रखता हूँ, तो रूम की भी चाबियाँ हैं, तो साथ में जो है स्टोर मेडिसिन है। मेडिसिन ना सर, चाबी भूल गया ना, ऐसा नहीं था मीडिया को देख के खोलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे जेरी, एक बार कैमरा लाइट ऑफ कीजिएगा यार, इतना अंधेरा है, इसलिए मैंने जेरी से लाइट ऑफ करवाई है, इसलिए लाइट के साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। अरे बाप रे, कबाड़ है पूरा। अरे सर, इधर पत्थर उत्थर कहे रखे हैं? अरुण जी, इधर पूरा पूरी इतना पूरा स्टॉक कौन चीज? ये पत्थर कौन चीज का स्टॉक है? नहीं नहीं, ये कुछ बैरियर टाइप का है, इसमें लोहे के वो भी लगे हुए हैं, पिलर हैं, पिलर थे ये टूटे हुए हैं, वही रखे हुए हैं, इसमें पिलर फिट है। पिलर फिट है जी। ये है आपका डॉट सेंटर टीवी वाला, इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं सर अनुजी हमको? मतलब आपको क्या लगता है, इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं हमको? ये अलमारी थोड़ी भरी हुई लग रही है, बाकी ये कमरा वैसे ही खस्ता हाल है। स्विच बोर्ड का एक स्विच गायब, पंखा चल रहा है, टीवी से बचाव का बोर्ड वो 80-90 के दशक का वाला ही टंगा हुआ है। कोविड 19 का किट रखी हुई है, ये बताया खुला हुआ इंजेक्शन है, अलबेंडाजोल की टेबलेट खुला हुआ इंजेक्शन। सर ये क्या है अरुण जी? ये क्या है? वैक्सीन? अरे नहीं यार, इतना ज्यादा वैक्सीन थोड़े दिया जाएगा। बेसिन में कनेक्शन नहीं है, और जनपद पीली भीत का मैप टंगा हुआ है। हाँ यार जरी है नहीं यहाँ पे। ठीक है चलिए, इतना सब खराब है तो वेंडिंग मशीन खराब भी हो ही सकती है। भैया बाहर चलो, बाहर। इसमें क्या था सर, इसमें क्या है? ये सर मैं नहीं बता सकता हूँ, लैब के होने का है। हैं? लैब के जो कर्मचारी हैं भर के चले गए, इसे क्या रखे हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ मेरा आना भी नहीं होता है ज़्यादा, वही देखते हैं इधर का काम। ये डॉट्स का कमरा है। अरे बाप रे बाप, केवल कबाड़ की वजह से जाम है जोड़।
जेरी तुम अलग से फुटेज उतार लो उसकी, हम दिखा मतलब दो लोग साथ में जा नहीं पाएंगे। सर ये किसी का स्टोर है अरुण जी? जी ये किसी का स्टोर है? ये उनका है, आरएनटी टीसीपी का है। हाँ आरएनटीसीपी का स्टोर। क्या स्टोर तो खाली है ना? ताला तो बंद है, ताला बंद है, स्टोर खाली है। टूटा हुआ है इसलिए शायद इसमें सामान नहीं रखा है उन्होंने, ताला मार दिया। लेकिन ताला एक्चुअली वही है, जितेंद्र जी हैं आरएनटीसीपी देखते हैं वो, तो उन्हीं के पास चाबी होगी। जी सर देख लिए, देख लिए। ये क्या है सर? इसमें कंडम, कंडम सामान है। अच्छा अच्छा जरी देखना, तो इसको भी वही स्थिति है, इसमें भी इस कमरे में भी जिसके बाहर लिखा भी नहीं क्या है, ताला बंद है, जंजीर मार के कूड़ा भरा हुआ है। अब वार्ड वार्ड कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे, और महिला के लिए भी कुछ नहीं यहाँ पे। ये शौचालय है, इसकी हालत भी वैसी ही है। और क्या है पीछे? ये बार बना है जी। क्या बना है? ये बार बना पीछे। ये बंद रहता है? इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड है, शायद इमरजेंसी वार्ड होगा, देखें आप डॉक्टर से जानकारी लें। ये तो नहीं पता कौन सा वार्ड है, तो बना रखा तो हो सकता है। यहाँ पे भाई साहब एक सुपर भी नहीं है, है जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे तो प्रधान कौन है? प्रधान है एक अमित शाह, अभी नया बनाया कविता शाह प्रधान है। कविता शाह प्रधान, विपिन सिंह, विपिन सिंह मंजू देवी। इन लोगों से बात नहीं की आप लोग कि सर गांव का एक अस्पताल है ठीक करवा दीजिए? अब नए प्रधान ठीक है, मान लीजिए कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, आप लोग बातचीत किए किसी से? अभी एक मंच पर आकर इकट्ठा होकर बात करने का मौका ही नहीं मिला किसी ने, हमसे सवाल ही नहीं किए। और सवाल अगर करना भी चाहा तो पहली बात तो कोई समय ही नहीं मिल पाया किसी को इतना सवाल करने के माध्यम से। आज आप लोग आए, इसी माध्यम से हमारी बात सबके बीच पहुंच रही है, यही अच्छी बात है। बाकी ग्रामवासियों के पास इतना समय नहीं, खेती पाती अपना थोड़ा बहुत करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बता दिया भाई हो रहा है। ये सब बिल्डिंग है। अच्छा मतलब ये कमरा है, इसके शीशे जालियां सब टूटी हुई हैं, दरवाजा, दरवाजे में अंदर क्या मिलेगा आपको दरवाजे की हालत देख के अंदाज लगाया जा सकता है। इधर भी मतलब देख लीजिए जेरी, हाँ इधर से खुला है जेरी, आओ तो ये न जाने क्या कमरा है, लेकिन एसी हाल में है, कूड़ा भरा है हर जगह इसमें। छत कब गिर जाएगी? सरिया गायब है, सरिया तोड़ के कुछ नीचे रखा हुआ है, तो लगता है कि कुछ लोग सरिया पे हाथ साफ कर चुके हैं। छत ऐसी है कि कभी भी गिर सकती है, मैं साफ कह रहा हूँ। ये देखो खाना वाना भी बनाया होगा। हाँ ये छोटा सा भट्टा लगा, अरे ठीक है भैया किसी काम तो आ रहा है कमरा ना, खाना तो बन गया किसी का। अब देखिए कोई तार फेंसिंग, कोई बाउंड्री कुछ कैसा नहीं है जिससे पता चले हॉस्पिटल है या कुछ है, सामने सामने से पता चल रहा हॉस्पिटल है। ये फेंसिंग से थोड़े पता चलेगा, डॉक्टर होना चाहिए ना। सर उतना स्टाफ आता है ना जो बताया, जो जो स्टाफ आता है तीन लोगों का वही आता है पर डे लगभग, और बाकी स्टाफ को देखा ही नहीं गया है ज्यादातर। कभी कभी आते हो तो उसका बोल नहीं सकता हूँ। सर तीन लोग आते हैं, यही आते हैं पर डे, बाकी कोई और नहीं देखे गए हैं ज्यादातर। ये सब क्या, ये सब इसी का हिस्सा है पूरा, ये पूरा लाखों की लागत से बनी हुई बिल्डिंग है, बस खाली पड़ी है करोड़ों की लागत से। आगे टंकी वगैरह भी है। सांसद वगैरह जी से आप लोग नहीं बोल रहे? अपने विधायक, विधायक से, सांसद से, सबको एक बार इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है इस काम पे, ना कोई प्राथमिक इसको दे रहा है, बस सामने से देख ले रहे हैं बस।
पहली बात तो वर्तमान विधायक का तो कभी आना भी नहीं हुआ यहाँ पर, ना ही सांसद जी का कभी। गांव में आप लोग कितने लोग की तबीयत खराब हुई कोरोना वोरोना के बीच में भी? कोरोना के बीच से तो फिलहाल कोई ऐसा केस नहीं आया कोरोना से, खत्म होने की बात नहीं किसी को, मतलब लक्षण वैसा आया। एक पॉजिटिव मरीज पाया गया था वो ठीक हो गया, उसके अलावा कोई पॉजिटिव मरीज भी नहीं पाया। शुरुआत से अब तक हर जो आए एक दो वो अपने ठीक हो गए, वो कहीं जाना नहीं पड़ा, वो घर पे ही ठीक हो। तो मिला जुला के इस अस्पताल का हाल ऐसा है कि डॉक्टर साहब से हम लोगों ने इस रिपोर्ट को शूट करने के 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में आ जाएंगे। सीरो सर्वे के काम से गए हुए हैं 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। आपको याद होगा कि हमने 1 बजे के आसपास रिपोर्ट शुरू की, तब आधे घंटे हो गए शूट करते हुए। और अच्छा ये भी देखना बचा था, ये अस्पताल का है पक्का? किसका गांव है ये? किसका गांव है? गांव वालों का ही होगा ना, उसी के आगे। कहाँ रहता है? कहाँ रहते हैं? पूरनपुर ड्यूटी जाता है अस्पताल में। कहाँ? यहाँ बांधता अस्पताल में जी। मतलब इसको क्या कहेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग स्वास्थ्य केंद्र के अंदर खाना बना लेते हैं, लोग स्वास्थ्य केंद्र के अंदर गाय बांध देते हैं, स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की की क्या कहते हैं आपको सलाखें चोरी हो जाती हैं। अस्पताल इस हाल में मिलता है कि लोग बताते हैं कि ये फार्मासिस्ट साहब हैं, वही सबका इलाज करते हैं और कोई इनका इलाज भी नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। रिपोर्ट 1 बजे हमने शुरू की थी, वही जो बात मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, 1:30 बजे आधे घंटे से बातचीत करते हो गए। डॉक्टर साहब अभी तक तो नहीं आए, हो सकता है कहीं फंस गए हों, सीरो सर्वे के काम से गए हैं ओपीडी के समय 11:30, 12:30, 1:30 घंटे से डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पे। आते हैं तो हम जवाब लेंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है इन सब चीज़ों पर। तो जैसा हमने कहा था, इस सेंटर के इंचार्ज जो हैं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ गंगवार उनका नाम है, वो सेंटर पे आ चुके हैं लगभग 2 घंटे तक वो गायब रहे थे। वो सीरो सर्वे के लिए गए थे, अब वो आने के बाद वो बता रहे हैं कि वो यहाँ पर इस पूरी कंडीशन पर जवाब देने के लिए जवाबदेह नहीं है, इस परेशानी के लिए जवाबदेह नहीं है। बात हुई कि गांव वालों ने कहा जो जेरी के पीछे भीड़ लगा के खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉक्टर साहब को नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने स्तर पर फैक्ट करने की कोशिश की कि एक दो लोगों ने बताया कि नहीं इन्होंने इनको हमने देखा है, एक दो बार देखा है। अब पूरा जो हेल्थ सिस्टम है ये एक अलग किस्म की, एक अपनी किस्म की ब्यूरोक्रेसी से चलता है कि साहब इसका जवाबदेह हम नहीं है, इसका जवाबदेह हमारा सीनियर है। PSC पे अगर कॉन्डोम के बॉक्स में कॉन्डोम नहीं है तो मुझे लगता है कि मेडिकल ऑफिस इंचार्ज इसकी जवाबदेह होगा कि PSC का इंचार्ज इसका जवाबदेह होगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जवाब हम फ़ोन पे या सामने कैमरे पर आपको किसी भी रूप में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाइट देने के लिए बाध्य नहीं है, ना इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की, अगर वो डिनाई करेंगे तो जेरी हम और आपको हमारा रोल ऑफ करेंगे। तो सौरभ क्या आप जवाब दे पाएंगे? साउंड कहाँ से बढ़ेगा? साउंड बढ़ा दीजिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सिद्धांत मोहन बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? एक मिनट, आवाज साफ नहीं आ रही, मैं दोबारा कॉल करता हूँ, आप अपने नंबर से कीजिएगा। ओके, बैक कॉल करिए बॉस। नंबर बोलिए इनका। हाँ बहुत बात कही। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर मेरी अभी डॉक्टर सौरभ गंगवार से यहाँ बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ की सारी दुर्व्यवस्थाओं के लिए आप जवाबदेह हैं, वो जवाबदेह नहीं है। उनका क्या है एक्चुअली, हम लोगों का आज 5 जगह सीरो सर्विलेंस चल रहा है। सर मैं पहले सारी बात के पहले ये बता दूं, ये सारी बात ऑन द रिकॉर्ड हो रही है। तो 11 जगह हमारा कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, 11 सेशन, और जो है हमारा ये MFMED है, इमरजेंसी और OPD भी चल रही है।
ठीक है ना, उसमें डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है सीरो सर्वेलेंस में, ठीक है ठीक है। हाँ, और अव्यवस्थाएं वहां पर क्या हो रही है आपको पता है सर कि मैं बताऊं? नहीं, डॉक्टर ने बताया, आप बता, आप भी बताइएगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में क्या बताया गया है डॉक्टर सौरभ द्वारा? क्योंकि वो कभी कभी वहाँ पर फार्मेसिस्ट है, एक अरुण शुक्ला है जो कि एल ए है, एल टी है। आज अरुण शुक्ला जो है उसके और हमारी आर आई टीम में भी हैं ये लोग। तो वहाँ पे अव्यवस्थाओं की वजह ये रही है कुछ दिन से, ठीक है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट ज्यादा आ रहे थे, ठीक है ना जी। और उनके लिए आरआरटी, जैसे आरआरटी काम के करे रैपिड रिस्पांस टीम, जो उनके घर घर जाकर उनको होम आइसोलेट कराना, मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ये भी इन्हीं का काम है, ठीक है। तो ये अरुण शुक्ला है, हाँ। अरुण शुक्ला है जो एलए है, वो आज टीम में गया हुआ है सैंपलिंग करने के लिए। ठीक है, अरुण नहीं, अरुण शुक्ला सैंपलिंग करने नहीं, अरुण शुक्ला यहीं पे मौजूद है। अच्छा, एलए गए होंगे, आ गए होंगे, आज उनकी ड्यूटी लगी थी। अच्छा सर, प्रेम जी, इसके अलावा क्या दुर्व्यवस्थाएं हैं इस पीएचसी पे? जो उसकी एक कलरिंग होगी, वही पेंटिंग होनी है, पेंटिंग जो है यहाँ से आज हमारे पीएचसी पे काम चल रहा है, वो यहाँ सारी पीएचसी की करेंगे, अभी इसे बार हो जाएगी। सर यहाँ पे पता है आपको, अगर पता नहीं, मुझे आपकी बात से पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ की वस्तु स्थिति पता है, अगर पता हो तो मुझे माफ करिएगा। ये बात मैंने ये सुनने में आया कि कम जाता है। हाँ, क्या क्या व्यवस्था है आप एक बार बताइएगा। ठीक है सर, अगर आप डू यू अग्री कि आपको व्यवस्थाओं के बारे में पता नहीं है यहाँ के? ठीक है, नहीं मुझे पता है वहाँ का सब कुछ, पता रहता है। तो सर आप ही बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि नहीं, मैं एक फैक्ट चेक कर रहा हूँ आपका कि बस आपको पता है कि नहीं कि यहाँ पे दिक्कतें क्या है। दिक्कत तो इस टाइम हर जगह है डॉक्टर, क्या दिक्कत है सर मुझे इस पीएससी का बताइए, जयपुरा पीएससी बताइए बस। जयपुरा पीएससी है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ओके सर, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पीएससी के अंदर गाय बंधी हुई है, मुर्गे बंधे हुए हैं, धान काटने की मशीन रखी हुई है, वैक्सीनेशन सेंटर जो है, जो वैक्सीनेशन के बाद का सर, अब सर कहना है कंप्लीट फर्स्ट, इसके बारे में मुझे पता है, ठीक है सुनिएगा, इसके बारे में मुझे पता है। तो आप कह रहे थे कि सब ठीक है सर वहाँ पे? नहीं, उसके बारे में पता है, वो जो है कई बार उसकी लड़ाई भी होगी, डॉक्टर से भी लड़ाई होगी उस औरत की, ठीक है, और उसके लिए मैंने बोला एक बार नोटिस दे दो, नोटिस नहीं निकलते तो हम एफआईआर करा देंगे। कराइए आपने एफआईआर सर। इस टॉपिक पे मैंने डॉक्टर सौरभ को बोला, आप डॉक्टर सौरभ से बात कराइएगा मेरी। डॉक्टर सौरभ स्पीकर पे ही है, सब बोल दीजिए सर। नहीं, डॉक्टर सौरभ कब बात हुई थी हम लोगों की इस टॉपिक पे? अभी रिसेंटली हुई है, लास्ट वीक बात हुई थी जी। और उसमें एक वहाँ पे कुछ कटहल का पेड़ भी खड़ा हुआ है जी। है कटहल का पेड़ जी? नहीं, ये जो स्वीपर्स का स्टाफ जो यहाँ पे रहता है वही लोग गाय वगैरह पाल रहे हैं। नोटिस दे दो, नोटिस से नहीं मानते तो जी, जो एफआईआर कराने का इतने अवकाश जी 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 जी। अच्छा प्रेम जी, प्रेम जी केवल गैया भैंस दिक्कत नहीं है ना, मतलब आपके यहाँ स्विच बोर्ड तक उखड़ा हुआ है, स्विच बोर्ड तक उखड़ा हुआ है, बोर्ड में स्विच नहीं है, बोर्ड लगा है स्विच उखड़ गया, उसमें से पंखे उखड़ गए आपके यहाँ से। सर प्रेम जी आपने कहा कि यहाँ सब ठीक है, इसलिए प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन यू कैन क्लैरिफाई, ऐसे तो बात कंफ्यूजिंग हो जाएगी। नहीं, पहली बात सर, फर्स्ट थिंग गाय भैंस वाली आपने दिक्कत कही जो कहा कि एफआईआर कर रहा है। दूसरी चीज, आपके यहाँ के चार कमरों में कबाड़ भरा हुआ है, आपके यहाँ की ट्यूबलाइट उखड़ी हुई है, आपके यहाँ के पंखे उखड़े हुए हैं, आपके यहाँ के ऑब्जर्वेशन रूम में चार चादरें बिछी हुई हैं जो एक के ऊपर एक हैं, गंदी हैं, एकदम घटिया हालत में है। मैं अपने शब्दों को मिंस नहीं कर रहा हूँ, एकदम साफ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूँ। फार्मासिस्ट यहाँ पे दवाइयाँ लिख रहा है जो कह रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं कभी कभी आता हूँ, काम है, कोविड ड्यूटी है, तमाम चीज़ें तमाम तरह के समझ में आता है। आपके कई कमरों की छत ऐसी है जो गिर सकती है, दीवारें सीलन से भरी हुई हैं, नलों की टोटियां गायब हैं, खिड़कियों के सरिये गायब हैं, बाथरूम में कूड़ा भरा है, मतलब कोई कराया जाएगा ना, काम चल रहा है, आपको बोला कि काम चल रहा है, टीम चल रही है, अभी सीएससी पूरनपुर में पुताई चल रही है, अभी ऊपर काम कर रहे हैं, इसी टाइम कर रहे हैं, रुके हुए हैं सारे वर्कर जो है। कब होगा सर ये सब, कब से सर, इसके 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 लिए आखिरी मेमो आपने कब दिया था इस सब कामों के लिए? वर्किंग चल रही है, विद इन मंथ होगा यहां पे। आखिरी मेमो कब दिया था सर आपने इस कामों के लिए, इन कामों के लिए? जैसे कि डॉक्टर की न्यू पोस्टिंग है, पहले से डॉक्टर ही नहीं था कोई भी।
है ना? जी जी सुन रहा हूँ। पहले तो वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं था, डॉक्टर की पहुंची हो गई, इसके बाद ये कोविड आ गया, कोविड की वजह से वहाँ पे ये डॉक्टरों का ज्यादा बिजी हो गए सब लोग कोविड में। लोग बताते हैं कि यहाँ पे आशाएं तक नहीं आती हैं, यहाँ की जो आशाएं हैं वो भी नहीं आती यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो डॉक्टर प्रेम सिंह थे ये जो इंचार्ज थे इस सबके सिस्टम के, जो जवाब दे रहे थे। फैक्ट चेक आपके सामने हुआ, लर्न टॉपर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको।